अरे नमी जो है, आइए करेक्टनेस, करेक्टनेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कल इंशाल्लाह। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा। द करेक्टनेस ऑफ योर विजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साउंडनेस ऑफ योर आइडियोलॉजी। यानी आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, हर इंसान की आइडियोलॉजी होती है, एक उसका नज़रिया हयात होता है, अकीदा होता है ना, जिसकी बेसिस पे इंसान ज़िंदगी गुजारता है, कि वो जितना साउंड होगा, जितना करेक्ट होगा, आपकी विजन की करेक्टनेस उतनी ज़्यादा होने के इम्कान। वो जितना अनसाउंड होगा, जितने अनसाउंड एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर इनकरेक्टनेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। डिस्कस दी पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजी इंशाल्लाह टुमारो मॉर्निंग, कि आइडियोलॉजी क्या होती है, कैसे डिटरमिन होती है, वगैरह 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 सब डिस्कशन कराने वाला है। तो अभी मैं आपके सामने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में रखना चाह रहा था, ये है जनाब अली, जब हम विजनिंग कर रहे होते हैं तो हम ये सब चीज़ें हमें अपने निगाह में रखनी होती हैं, क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या मैं इसकी आर्टिकुलेशन सही कर रहा हूँ, क्या अप्रोप्रिएट कॉन्क्रीटनेस आ रही है, मैं स्केल क्या रखना चाहता हूँ, मेरी नोबिलिटी लेवल कहाँ है, मैं कितनी ज़िंदगी को टच कर रहा हूँ अपने विजन के ज़रिए से, कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, खाली अपने तक तो महदूद नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को देख के और फिर एक विजन अपने किसी रोल में डिसाइड करते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो फंक्शंस भी हो गए, कैरेक्टरिस्टिक भी हो गए। अब मुझे बताएं कि भाई यहाँ तक बात समझ आ गई, बात तो अगर आ गई तो आगे चलेंगे, नहीं आई तो फिर रुकेंगे। जी क्या बताऊँ, नोबिलिटी ये तो बड़ा आसान है यार। चले भाई कोई और बताएं, नोबिलिटी कौन डिस्कस, कौन शेयर करे, कौन एक्सप्लेन करेगा नोबिलिटी, कौन सा बच्चा शेयर करेगा भाई? वो कह रहे नोबिलिटी बताएं क्या होती है, आपको समझ नहीं आया? हाँ, कितनी जिंदगियों पे, नोबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो विजन है उससे कितनी और जिंदगियों के अंदर किसी बड़े खैर के लिए कोई वैल्यू ऐड हो रही है। हाँ, एक मछली की जिंदगी में आ गई ना, और मछली की जिंदगी में और फेंकना शुरू कर देंगे और जिंदगी में आ जाएगी। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमारा प्रोजेक्ट है मिलियन बिजनेस बनाना, वी वांट टू हेल्प अ मिलियन ऑर्डर्स। आजकल वीडियोस हैं और उसका जो ये है सिंपल वर्जन, उसका ग्रेटर वर्जन है वो ये कि वी वांट टू एम्पावर पीपल। यूएन का रेजोल्यूशन है कि 2015 तक पॉवर्टी खत्म हो जानी चाहिए, वो फिर भी नहीं हुआ। लेकिन हमने अपने सही अपनी कोशिश करी कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है भी नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। तो उसका एक हिस्सा हुआ कि हमने कहा कि भाई लेट्स क्रिएट ओपन सोर्स बिजनेस मॉडल, कि उसको इम्पैक्ट किए। बट इवेंचुअली जो हमें टारगेट ऑडियंस थी वो लैट वॉज 4 बिलियन पीपल, जो कि $40 से कम कमाते हैं, जो कि गुर्बत के डब्बे में आते हैं। वी वॉन्ट टू इम्पैक्ट 4 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दैट इज़ द क्वान्टिटी, अगर क्वान्टिफाई करना चाह रहे हैं, बट उसको अगर हम टुकड़ों में लेके जाते हैं तो उसका एक पीस आ गया, स्कूल आया कि इसके डब्बे में लिखा है 140 बिलियन, बिकॉज दिस इज प्रिंटेड फॉर पाकिस्तान। अगर आप इसको इंटरनेशनल वर्जन में देखें उसमें लिखा है अ बिलियन पीपल को इम्पैक्ट करना था। सो अगेन टू अंडरस्टैंड आगे वाले की सबान के हिसाब से हमें समझाने के लिए, तो अगेन जो अल्टीमेट गोल है वॉट इज दैट, कि जी शायद दुनिया से गुर्बत हो, बट अब इज दैट क्वान्टिफाइबल नंबर? अगर आप नंबर पूछते हैं तो स्टीव जॉब्स फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ही वाज के एवरी सिंगल टेबल इन द वर्ल्ड शुड हैव अ कंप्यूटर, तो दैट इज हाउ मेनी, कुछ जितने भी लोग रहते थे उसका गोल ये था, नोबिलिटी लेवल के लिए देख रहा था ना कि लोग क्रिएट कर सकते भाई। जैसे आपने कहा मैं कोरंगी के लिए अंदर स्कूल बनाना चाहता हूँ, कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा? 500 लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, वो 500 लोगों की जिंदगी के ऊपर आप 500 मल्टीप्लाई करें, उनके पेरेंट्स इन सब को इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, और यू कैन से व्हाट इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ दैट, कितने लोगों की जिंदगियां इम्पैक्ट होने वाली हैं? इसकी डेफिनेशन है प्रोफेसर यूनस, डॉक्टर यूनस की जो डेफिनेशन है, पता नहीं किसी साथी ने, डॉक्टर यूनस साहब ने नाम लिया था, उनका जो बॉटम लाइन है वो ये कहते हैं कि सोशल इम्पैक्ट या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल बिजनेस वो होता है जिसके अंदर जो बॉटम लाइन होती है वो शेयर होल्डर नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट होता है, कि आपने कितने लोगों की जिंदगियों पर इम्पैक्ट डाला। अगेन दैट इज सिमिलर टू नोबिलिटी।
ये तो अल्टीमेट विजन है अपने बताया। लाइफ के अंदर वेरियस रोल्स हैं, अगर ब्रेड अर्नर का रोल है या एज अ प्रोफेशनल मेरा रोल है, तो क्या उसके अंदर भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है? बस करें मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, फाइनेंस में हूँ, क्या मैं नोबिलिटी में क्या क्रिएट कर सकता हूँ? लाइफ से मैटर चाहिए। Is this definition of ultimate vision or just vision? हाँ, that's my question कि ये ultimate vision बनाने में सारे होने चाहिए या हर role के अंदर कुछ characteristics drop ही हो सकते हैं? Drop हो सकते हैं। Drop हो सकते हैं। या drop नहीं सकते तो बहुत high level तक नहीं जाएंगे। आप एक company में manager हैं, उस company के उस particular function के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मैं करूं, कुछ ना कुछ तो होगा ना। फॉर एग्जांपल इन योर डिपार्टमेंट देयर आर 10 पीपल वर्किंग अंडर यू, तो क्या आप जो काम करते हैं क्या आप उन 10 लोगों की जिंदगी को टच कर रहे हैं? ये कर सकता हूं, मेंटरिंग कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग देयर कॉम्पिटेंस कि कल वो जो है जुनैद अल मुस्लिम को रिप्लेस कर सकते हो, तैयार है? ठीक है, बेसिकली ओके, लेकिन सम ऑफ देम कैन बी ड्रॉप अकॉर्डिंग, कुछ ड्रॉप हो सकते हैं। जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हाँ, सो एक जो कैटेगरी बी है उसमें तो ये होता है कि थी जुनैद अल मुस्लिम विल मेक श्योर दैट ही इज अनरिप्लेसेबल। ओए, वेयर एज आपने अभी एक बड़ी अजीब सी जुमला बोल दिया कि 10 आदमी ऐसे ट्रेन कर देंगे कि जुनैद अल मुस्लिम को रिप्लेस कर देंगे, तो बहुत ही सिस्टम बी और सिस्टम ए का फर्क है। सिस्टम बी चलो आपने कह दिया है क्योंकि आपने पकड़ ली मेरी बात, मैंने नहीं पकड़ा है कोई, मैंने दादा कौन पकड़ता है, आपने पकड़ी ये बात भाई। सिस्टम ए जो सिस्टम बी जो है ना वो ये कहता है कि सिस्टम बी कहता है इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने और लोग प्रोड्यूस कर दिए तो मुझे कम्पीट करना शुरू कर देंगे, तो मुझे अगर कमिट करना शुरू कर देंगे तो मेरा क्या होगा? इसका मतलब मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, इसका मतलब ये कि कंपनी तो मुझे रिप्लेस करके किसी और को आगे ला सकती है ना। छठा पॉइंट क्या लिखवाया था? बेस्ड ऑन कंपटीशन। कंपटीशन सिस्टम ए ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। क्यों मैं सब क्यों नहीं, हम सब क्यों नहीं, मैं क्यों कर दे रिप्लेस यार? अच्छा है मुझे रिप्लेस कर दे तो मैं आगे किसी और काम की तरफ जाऊंगा ना। अब मैं कहूँ कि यार यमीन उद्दीन अहमद ही ट्रेनिंग करवाए और मुझे वो रिप्लेस ना कर सके और जो है ना वो बस मेरी इजारादारी हो जाए, है ना? इसका मतलब ये है कि एक तो मैं या तो मेरे अंदर मैं हैं या जो है मैं चाह रहा हूँ कि जी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार एक और ट्रेनर आ जाए, दो ट्रेनर्स आ जाएँ, 10 आ जाएँ, 20 आ जाएँ, जो कि यहाँ पे खड़े हो जाएँ और आज एक सेशन हो रहा हो, कल जो है ना वो 6 सेशन एक साथ हो रहे हों, हैं जी, और मैं कहीं आगे जाके कोई और स्ट्रेटजी काम करूँ। सलमान अहमद साहब सोचते कि मैंने ही पढ़ानी है सारी ज़िंदगी, तो वो तो मुझे कभी लगे ना आते, मुझे कह मैं क्यों लेकर आऊँ भाई, तुमको लेकर आ जाऊँ, तुमको सिखा दूँ मेरा, तुम मुझे आउट कर दो। लेकिन ही पुट मी इन दी सिस्टम, डेवलप किया, छोड़ दिया, अब वो नहीं कराते कोर्स। मैं नहीं होता हूँ करा देते, मैं होता हूँ तो मैं ही कराता हूँ, वरना वो करा देते, बहुत कम कराते ना भाई। अब साल में साल एक तो भाई मिलेंगे वो आपको कराते हुए कोर्स, पब्लिक कोर्सेस की बात कर रहा हूँ, जनरली कंपनी वंपनी में भी करा देते। क्यों? इसलिए कि देर आर मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर सुलेमान अहमद शुड बी यू नो अटेंडिंग टू। फॉर एग्जाम्पल आर विजनिंग प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, फॉर एग्जाम्पल आर न्यूक्लियर मे बी प्रोजेक्ट इज गोइंग अलॉन्ग विद सम ऑफ द लीडिंग उलमास ऑफ दिस कंट्री, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है।
है ना, तो भाई क्या हर जगह अगर मैं ही खड़ा हूँ, हर जगह सुमान हमारा खड़ा है, तो फिर क्या होगा? हो सकता ना हजरत हमें एक हाथ और आगे ले जाएंगे ना, आप जमेदर शाह और आगे ले जाएंगे। हम तो टेक्नोलॉजी के लोग नहीं, टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, इनसे बात हुई है तो बहुत आसान हो जाएगा, और आगे ले जाएंगे यार। तो अगर हम और आगे ले जाएँ और ये ट्रेनिंग वाला मसला जो है ना ये हल हो जाए थ्रू टेक्नोलॉजी सपोज, इसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स है भाई। तो वो अगर अवेलेबल हो जाए तो इसका मतलब ये क्यों हमारे विजन में एक और चीज़ है कि वी इंशाल्लाह विल बी द कंसल्टेंट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऑलरेडी अभी कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखा हुआ है क्योंकि शेड्यूल ही नहीं है मेरे पास, है ही नहीं जगह ही नहीं है। पूरा जनवरी मेरा बुक, पूरा फरवरी मेरा बुक, तो ठीक है भाई मार्च में शुरू करते हैं चलो। लेकिन अगर वो मुझे टाइम आज मिला हुआ होता, अगर आज हो, एक मिठू हमारा है बच्चा काशिफ, उसको डेवलप कर रहा हूँ ट्रेनर, इंशाल्लाह 6 महीने में ही विल रिप्लेस मी। टाइम मैनेजमेंट में तो कम से कम मुझे नहीं देखेंगे आप इंशाल्लाह, बहुत कम देखेंगे आप, उनको ले आएंगे हम। तो फिर आई कैन गिव टाइम टू दोज प्रोजेक्ट ना, बिकॉज इट इज बेसिस, द बेसिस ऑफ दैट इज द कोऑपरेशन। हम कोऑपरेट करके चाहिए ना भाई, कब तो रिप्लेस हो जाए यार, आ जाओ। 500 लोग तो हैं, 400-500 लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं इसको पाकिस्तान में अपने अपने कम्युनिटीज में ना, तो क्या हो गया 500 लोगों का पढ़ाने से क्या हो गया? कि मेरा कोई मसला हो गया, पढ़ाने बंद हो गई, बिजनेस ख़त्म हो गया, लोग नहीं आ रहे, वो पहले से ज़्यादा आ रहे, और ज़्यादा ही आ रहे ना, कहाँ है भाई? अभी तो दुनिया में कितने मुल्क हैं भाई, दुनिया में 230 हैं, कहाँ? हम तो यार अभी तक जो है ना, हम बेचारे चिल्लू जो है ना वो 6 मुल्कों में पहुँचे हैं, ठीक है, 224 मुल्क और रह गए, वो यहाँ भी जाना है भाई। हाँ 30,000 तक पहुँचे, 30,000 आउट ऑफ 7 बिलियन पीपल नथिंग। तो विजन जो है ना वो चल नहीं सकते सर कॉपरेशन के बगैर। हाँ सिस्टम बी वाले विजन जो होते हैं वो कहते जी मैं मेरा कॉम्पिटिशन, मैं कैसे निकलने दूँ, मैं ही करूँगा, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही होना चाहिए, मुझे ही होना चाहिए। रॉबर्ट बी की फिलॉसफी है। हाँ वो ये है सिस्टम ए को, सॉरी सिस्टम बी को ड्रिल करना। हाँ अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन है सारा, रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते ऐसा होना चाहिए, उनको नहीं पढ़ने देते, नहीं पढ़ वो नहीं पता करते थे हैं, क्या करते थे? क्योंकि एक बुक है, एक तसनीफ है 48 लॉज ऑफ पावर, तो वो यही बताते हैं मतलब कि काम करो, कोई और काम करे क्रेडिट आप दें। हाँ ये एक्चुअली मेड अ कॉर्पोरेट बुक ऑफ लॉ, छोटी सी बुक है सिस्टम बी, सिस्टम बी को ड्रिल करता है। अरे बहुत सारे लोग तो उनको उनके पैरोकार भी है ना, मेरा जो सबॉर्डिनेट है उसके सामने मैंने गलती से इस बुक का नाम ले दिया था ऐसी डिस्कशन के लिए, तो मुझे फिर काफी गिल्टी महसूस हुआ, उसने कहा कि यार मैंने वो बुक पढ़ी है, मैं उसको कह रहा था यार दिस इज वन बुक दैट आई वुड रादर यू वुड नॉट हैव रेड। 100% नहीं होगा वो भाई, तो नहीं है तो फिर आ जाओ, स्ट्रोक लग जाएगा ना, कुछ सोचने को मिलेगा, कुछ सोचने को मिलेगा ना। अब फॉर एग्जांपल हमारी स्लीप मैनेजमेंट एक कोर्स होता है हमारा, स्लीप मैनेजमेंट कुछ लोगों ने चेक किया हुआ है, देखा हुआ है ना। अब स्लीप मैनेजमेंट जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ हुआ है सर, वो बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बट पूरी सी वीडियो है वो, नॉट वेरी हाई क्वालिटी वीडियो, वो लम्स में चूँकि हम जब पढ़ाते थे 2 साल पहले ये विजन टाइम मैनेजमेंट, बट ये भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है, टाइम मैनेजमेंट रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो वो क्या हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया, अब वो रिकॉर्ड हो गया, वो पढ़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर भी, पढ़ा हुआ है हमारी वेबसाइट पे भी है, वो उसकी डीवीडी भी है, तो यूट्यूब पे फ्री है ना, आप जाके देख सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं भाई। अब लोगों को ठीक है वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल रहा ट्रेनर के साथ, यही होगा ना, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो रहा है उसके जरिए। वो क्या रहा है, वो लोग देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं, लोगों की ईमेल जा रही है, उससे लोगों को कम से कम ये समझ में आ गया है कि भाई हमारी स्लीपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, स्लीप साइकिल कैसे डेवलप की जाती है,
और उसका आपकी हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंज आ रहा है। अच्छा मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो देख के टाइम मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं, विजन की तरफ आ जाते हैं और चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, मिलने के लिए आ जाते हैं कि यार ये मेरे चंद सवाल आते हैं बताते हैं, तो वो ट्रिगर होगी ना चीज़। तो टेक्नोलॉजी से क्या होगा क्या नहीं होगा, कहने का मकसद ये कि इस वक्त तो पॉइंट ये कि ट्रिगर करनी है, वो सोच ट्रिगर करनी है, सोच ट्रिगर हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक्सेस मौजूद है, आप और डिटेल में चाहते हैं आप आ जाएँ। करवाते हैं कभी साल में दो दफ़ा, जैसे अभी फरवरी में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है। जस्ट इवन ये स्ट्रेटेजिक विजन और स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जो लम्स की पूरी रिकॉर्डिंग है, 46 क्लासेस जो थी हमारी और वो पूरी 42-46 जो भी थी वो रिकॉर्ड हुई पड़ी हुई है, टाइम मैनेजमेंट विजन भी, हाँ दोनों पढ़े हुए हैं। और लोग हमसे लोगों का हम पे ये एक वो था कि यार आप तो पैसे चार्ज करते हैं, आप बात तो अच्छी बताते हैं पैसे बहुत चार्ज करते हैं। अच्छा चलो वो हमने मैरियट से, हम जो है ना मैरियट में तो हमारा चलता है एक प्रोग्राम मैरियट मैरियट में, एक हमने यहाँ पे कर दिया, ये रंग वाला में होता था यहाँ पे, ये 50% अभी टाइज हुआ हुआ है। अच्छा आप यही पे नहीं करना चाहते भाई, नहीं पे करो यार, जाके यूट्यूब पे देख लो ना, तो मजे की बात ये कि वो देखते नहीं भाई, नहीं देखते। तो मुझे एक साहब ने कहा कि इस हाँ तो उन्होंने इसकी एक वजह ये है कि आप फ्री में दे रहे हो ना, फ्री में दो तो ना खुश, पैसे चार्ज करो तो ना खुश, क्या लोग आपको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस काम को, उसकी हमें नहीं मतलब उस काम की वैल्यू को। देखिए आप पैसे आप चार्ज करते हैं, आप ऐसे देखिए और वीकेंड लगाते हैं ना अपना वीकेंड, तो कुछ यार उन्होंने वीकेंड दिया भाई, अब कुछ ना कुछ सोचेगा वो, सीरियसनेस के अंदर होगी। हम ये कोर्स बहुत बार फ्री भी करते हैं, आप बिलीव करें जब भी मैंने इस कोर्स को फ्री किया है, चाहे मैंने वो कॉर्पोरेट्स में किया हो, चाहे मैंने वो मदारिस में किया हो, चाहे मैंने हमने कहीं और किया हो, उसका इम्पैक्ट इस कोर्स के मुकाबले में 70% कम होता है। Nobody serious. People are coming in, people are going out, you know, they are, you know, just taking it for granted. तो हमें तो उलमा ने मना कर दिया, हमने कहा उन्होंने कहा खबरदार तो आपने मदारिस में कभी फ्री कराया है, तो हमें तो उलमा ने बड़े उलमा जितने बड़े उलमा उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री तो होने नहीं चाहिए, क्या चार्ज करें आप, क्यों कह रहे हैं इंसान में नहीं आएगी लोगों को, क्या लोगों की साइकोलॉजी है, इंसान की फितरत है जिस पर उसका जान माल वक्त लगा हुआ होता है ना, उस चीज़ को वो वैल्यू करता है। तो इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी को भी हम ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट होगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से डिस्कशन नहीं हो रहा होगा, बट दी मेन थिंग द फर्स्ट थिंग इज़ टू ट्रिगर दैट थॉट। अब ट्रिगर हो जाए तो बड़ा काम हो जाएगा, ट्रिगर तो हो ना चीज़ें, हम ट्रिगर करना चाह रहे हैं। एनीवेज तो यहाँ पे भाई वो कॉम्पिटिशन और कॉपरेशन का बड़ा फ़र्क है। अब चूँकि पूरा सिस्टम भी डिज़ाइन हुआ हुआ है कॉम्पिटिशन के ऊपर ना अभी राम साहब, और ये पता नहीं कहाँ कहानी कहाँ शुरू होती है आपको, ये कहानी कहाँ शुरू होता है आपको, स्कूल ही शुरू होती है, स्कूल से स्कूल शुरू होती है, क्लास में शुरू होती है, अपने नोट शेयर नहीं करना किसी, अच्छा तुमने नोट्स को ले लिए, बहुत पागल हो तुम, तो वो फंस आ जाएगा, वो फंस जाओगे, खबरदार जो तुम नोट दिए, छुपा के आप जो है ना वो अपने नोट छुपा के रखें, और जो देने हो ना वो दूसरे होने चाहिए, वो देने वाले जो है ना मास्टर जी कॉलेज से फोटो कॉपी करा के रख लो वो। और ये ग्रेड वन से शानी शुरू होती है, ये ग्रेड टेन तक जाती है, फिर ये कॉलेज में जाती है, फिर यूनिवर्सिटी में जाती है, फिर जब वो निकलता है ना प्रोडक्ट बाहर, जब वो ऑफिस में आता है तो फिर वो ऑफिस में क्या हो रहा होता है, मैं क्यों उसको आगे बढ़ने दूँ, मैं क्यों करने दूँ, मैं उसकी टांग खींचूंगा, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी पॉलिटिक्स सारी जो है ना वो जिंदगी हमारी जो है ना वो लोगों की टांगें खींचने और पकड़ने और गिराने में गुजर जाती है, यानी हमारी तमाना है जो कहीं लगनी चाहिए हमारे, नहीं आपके ख्याल में ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए कि दिस माइंडसेट इज बीन डिवेलप फ्रॉम द चाइल्डहुड, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, भाई सबको अच्छा कर दो ना यार, हम सब अच्छे हो जाते हैं ना, तो सारी क्लास फर्स्ट आ जाए तो क्या ख्याल है, मैं मेरा बच्चा क्यों फर्स्ट आए, हम सब फर्स्ट आ जाते। तो मैंने अपने बच्चे को ये सोच के स्कूल में ही डाला, कन्वेंशनल स्कूल में डाला, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री होना, मैंने कहा डालना ही नहीं है काम करने की, नहीं होम स्कूलिंग तो नहीं है, होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो बच्चे की जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, और वो भी प्रोजेक्ट हमारे एक विजन विजन रिट्रीट से निकला था, थोड़ा इरफान हैदर साहब एक होते हैं हमारे,
पीएफ कीट में थे, तो सीबीएम के डीन हो गए उनके। उन्होंने एक स्कूल छोटा सा बनाया था, बनाया है L2L अकेडमी के नाम से, अपने ही घर में छोटे तीन बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी इंजीनियर, हमारे भी दोनों बच्चे भी इंजीनियर। L2L अकेडमी, लर्न टू लर्न अकेडमी। अब उसकी जो डिज़ाइन है उसमें तफसील में नहीं जा रहा, ब्रेक ब्रेक में बात कर लीजिएगा। रियान भाई के बच्चे भी साहब बदे भी बैठे हुए साथ साथ वहीं पढ़ते हैं, इरफान भाई के बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइम फैमिली के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अब उसकी डिज़ाइन जो है ना वो डिफरेंट है। अब उनके यहाँ जो है ना करिकुलम इस तरह से नहीं है जी, ये किताबें पढ़नी है जी, ऐसा होगा जी, पीरियड होगा इंग्लिश का होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर मैथ का होगा, फिर जो है ना वो जोग्राफिया का होगा, फिर फलाने का इस्लामियात का, ऐसे नहीं है। बल्कि एक एक्टिविटी है भाई, आप उस एक्टिविटी के जरिए बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, है ना। अच्छा मैं, अच्छा उसका 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 जो रिजल्ट हुआ है जो हम देख रहे हो क्या है कि द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, द एबिलिटी टू एक्सप्लोर हैज गॉन अप। ऐसे ही मतलब दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग इन माय किड्स क्वेश्चंस। अच्छा वो उन्होंने ए बी सी डी नहीं पढ़ी जिस हमने पढ़ी थी ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, इस तरह से नहीं पढ़ी, नहीं ऐप काटा भी नहीं आओ, लेकिन बट दे आर वेरी गुड इन रीडिंग एक्चुअली, तो मेरा मैनुअल उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं यार। अच्छा वो इकबाल की शायरी पढ़ रहे हैं, हमारे सात साल के साहबजादे, इकबाल के वो अशआर जो मैंने नहीं पढ़े वो पढ़ रहे हैं। जब मैं घर में आया तो इकबाल की कोई नज़म सुना रहे हैं अपनी अम्मा को, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन ना सका है, और यानी मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। क्या खूब अमीर फैसल ने सनूसी को पैगाम दिया, मैंने मैंने कहा यार माय गॉड, ये ना कहना वो आज पढ़ लेते ना, तो ही इज इंटरेस्टेड इन इकबाल, ही इज इंटरेस्टेड इन गालिब, ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, ही इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, ही इज इंटरेस्टेड इन मैथ, ही इज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, ये डिवेलप वेरी गुड स्किल ऑफ ड्राइंग। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हैरान होता हूँ क्योंकि ये भाई कहे बना रहे ड्राइंग, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम, और उनको स्कूल जाने का इस कदर शौक है कि एक दिन मैं जल्दी पहुँच गया उनको पिकअप करने के लिए, 1:30 बजे छुट्टी होती है, 1:20 में पहुँच गया, और मुझे क्या कहता था, बाबा जल्दी क्यों आते, आप देर से नहीं आ सकते, अभी तो जो है ना वो काम करो। मैंने कहा यार घर भी चल, क्या मतलब है, नहीं नहीं आप जो है ना बाबा आप 3 बजे आया करें, आप जल्दी आ जाते हैं, अभी तो जो है ना वो छुट्टी हुई है, 3 बजे आया करें, आप 2:30 बजे आया करें, क्यों बाबा वी आर डूइंग समथिंग, हम कोई काम कर रहे हैं, छुट्टी हो जाए तो उनको टेंशन हो जाए, छुट्टी क्यों हो गई आज, छुट्टी क्यों है बाबा, इसको क्यों जा रहे हैं। अभी उस दिन बड़े वो पुरजोश थे, फ्राइडे वाले दिन जाएंगे काम, क्या कहते हैं स्कूल, तो कोई वन डिश पार्टी थी ना भाई, और मैसेज आ गया कि जी स्कूल जो है ना बंद है, अब उनके जो है ना बच्चों के काम हमारे, बाबा कल नहीं जाना, ट्यूसडे को जाना होगा, अच्छा नहीं नहीं अभी 4 दिनों घर में रहना है, हाँ भाई घर में, अच्छा चलो ठीक है, घर में कुछ करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए रो रहे, मतलब स्कूल जाने ना जाने के लिए रोते हैं ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अम्मी आज नहीं जाऊंगा, अम्मी आज, मोहल्ले से आवाज़ आ रही होती हैं, अम्माएँ बच्चों को लेके खड़ी हुई होती हैं, उनके हाथों में एक एक सैंडविच पकड़ा हुआ होता है, खाओ ना जल्दी जल्दी खाओ बहन आने वाली, जल्दी खाओ, अरे ये वो बहन के आने से 15 मिनट पहले बैठे होते हैं, बहन क्यों नहीं आ रही, बहन क्यों नहीं आ रही, 7:45 हो गए बहन नहीं आई, उधर बेचैनी होती है स्कूल जाने की, तो उसके पीछे पता लगा कि इसलिए नाउ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर डेवलपमेंट इज वेरी नेचुरल, और वो कॉपरेशन की बेसिस पे चल रहा है, और वो बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं बताया कि साथ अल्लाह वाला, हाँ अच्छा जानता तुम इब्राहिम मेरा बेटा है, अब वो तुम्हें जानता है, तो तुम जरा तुम यार तुम सीईओ हो ना अपनी कंपनी के भाई, मशहूर आदमी हो, अरे हमारा वाला बना नहीं है सीईओ, मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कहा हाँ यही है यही है यही है ठीक है, तो वो वहाँ पे एग्जाम नहीं है, एग्जाम का चक्कर नहीं है, कंपटीशन नहीं है, सर की चीज़ नहीं है, कैसे खैरियत से तशीर, अच्छा जनाब अब आगे चले, ज़्यादा बात हो गई है सर, अच्छा हमारे कुछ गेस्ट, कुछ हमें जो है ना मजीद कुछ गेस्ट ज्वाइन किया है, अगर क्विकली तारुफ नाम और काम,
अस्सलाम वालेकुम, सलमान अली बेग नाम है मेरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख रहा हूँ मीट वर्ल्ड में। हाँ ये ना मीट वर्ल्ड में कठिनाइयों को बढ़ाते हैं। जरूरी है बढ़ाना, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए आप एक ये और आप ये एक्स टाइम लेंडर्स हैं, टाइम लेंडर्स में थे, यहाँ से गए इनको वहाँ, ये प्लेस हुए वहाँ पर, अगवा कर लिए। हाँ अगवा नहीं, भेजा गया इनको। गोश्त सही नहीं आ रहा था। हाँ हाँ क्योंकि वो उस प्रॉब्लम है ना, गंदा गोश्त खा रहा था। अच्छा सर डॉक्टर को कॉल, आई एम वर्किंग ऑन ओरल कैंसर। वर्किंग ऑन ओरल कैंसर। जजाकल्लाह सर, थैंक यू। कर्नल जकरी है, प्रेजेंटली डूइंग अ जॉब इन अ फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। अच्छा थैंक यू वेरी मच। एंड मुनीब इकबाल, एक टेलीकॉम कंपनी है यूएस बेस्ड, वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेज पे काम करती है, मैं उस पे काम करती हूं। रियान लवाला के साथ के साथ एसोसिएट। जजाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। ओके तो सर यहां तक बात हो गई, अब मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे। हमने बात की है काफ़ी ज़्यादा रोल्स के ऊपर, दो दिन में, ढाई दिन में, है ना। तो आइए मेरा उस रोल्स के फ्रेमवर्क को हम थोड़ा समझते हैं कि ये रोल्स किस तरह से हमारे डिज़ाइन होते हैं, किस तरह से हमारे रोल चलते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारी ज़िंदगी में जितने भी रोल होते हैं, ये रोल जो हैं ये दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं रोल्स। एक जो हमारे रोल हैं वो कहलाते हैं मैंडेटेड रोल्स। और मैंडेटेड रोल क्या होते हैं? अ रोल इन लाइफ विच योर आइडियोलॉजी डज नॉट परमिट यू टू ड्रॉप अंडर एनी कंडीशन। आपके वो रोल्स जो कि आपकी आइडियोलॉजी आपको किसी भी सूरत में ड्रॉप करने की परमिशन नहीं देती है, आप उन रोल्स को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। आइडियोलॉजी का मतलब डेफिनेशन दिखा दें, द बेसिक बिलीव्स एंड फंडामेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। हर इंसान के, हर कम्युनिटी के, हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई हमारे फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम सही गलत, नाकामी कामयाबी के मेयारात तय कर रहे होते हैं, है भाई। हाँ जैसे आप अकीदा कह लें या नज़रिया हयात कह लें, तो सिस्टम बी का अपना एक सिस्टम, बी के पीछे की अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। सेकुलर बेस्ड कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है, जहाँ पे कैपिटल जो है ना वो है मरकज और ओरिजिन और मुंबा हर चीज़ का, कैपिटल सक्सेस फैक्टर या फेलियर फैक्टर, सक्सेस मीटर। हाँ सक्सेस सिस्टम ए के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम। तो अगर तो हमारी आइडियोलॉजी जो आप यहाँ बैठे हैं मिसाल तौर पर, अब आप ही देखेंगे भाई मेरी आइडियोलॉजी क्या है। तो जो मुसलमान है वो कह सकते हैं कि भाई हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो रोल जो कि ड्रॉप करने की परमिशन नहीं है वो है मैंडेटेड रोल्स अकॉर्डिंग टू, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल है द रोल ऑफ फादर, मैं एक बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, हाँ जी। तो क्या मैं अपना फादर का रोल किसी कंडीशन में ड्रॉप कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ? मैं अपने बच्चों से कह सकता हूँ कि बेटे बहुत 18 साल के हो गए हो, बहुत हो गया, चलो छुट्टी करो, मैं जो है ना तुमको अपना हिसाब किताब देख लो भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। नहीं होता है, हाँ कि भाई नहीं हो सकता। अगर मेरा रोल है सन का रोल, है सन का रोल, एंड आई हैव पेरेंट्स बोथ और वन ऑफ देम एंड देर अलाइव, तो क्या मैं अपना सन का रोल किसी कंडीशन में इस्लाम ड्रॉप करने की परमिशन देता है? मैं अपनी वालदा को जाएगा हूँ कि अम्मी बहुत हो गया, मैं 40 साल का हो गया हूँ, आपका बेटा हूँ, बस आप कल से बहुत हो गया, अपना हिसाब किताब खुद ही संभालो भाई आप, और मैं नहीं कर सकता यार आपके लिए। ये कह सकते हैं आप, हम अपने इस रोल को ड्रॉप नहीं कर सकते अंडर एनी कंडीशन, वी आर नॉट परमिटेड टू डू दैट। तो हमारे कुछ रोल होते हैं जो कि मैंडेटेड होते हैं, ठीक है, सन का है, फादर का है, ब्रदर का है, और भी कुछ रोल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप जो रोल की होती है वो कहलाते हैं इलेक्टिव रोल्स। इलेक्टिव रोल्स होते हैं, अ रोल इन लाइफ इज योर आइडियोलॉजी परमिट्स यू टू ड्रॉप अंडर सर्टेन कंडीशन, आप उस रोल को अंडर सर्टेन कंडीशन छोड़ सकते हैं।